द्वितीय कोटि का उत्कलन क्लास 12th की है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके एग्जाम्पल कराए थे, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके मैंने एक एक क्वेश्चन छोड़कर एक एक क्वेश्चन लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डी टू बाई डी एक्स टू, याद कीजिए। टॉपिक आपको द्वितीय कोटि का अवकलन, याद कीजिए। सबसे पहले मैं इसको लेकर चलता हूं ए सॉल्यूशन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब मैं इसका पुनः अवकलन करना ही आपका द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस ट्वाइस सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। सबसे पहले मैंने स्क्वायर का किया तो ट्वाइस सेक एक्स आ गया, फिर हमने सेक एक्स का किया सेक एक्स टेन एक्स, सिक्स एक्स प्लस ट्वाइस sec स्क्वायर x tan x, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस ट्वाइस sec स्क्वायर x tan x। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू x cos x, b पोर्शन y इक्वल टू x cos x। सबसे पहले dy dx निकालो, dy अपॉन dx इक्वल टू d uv के नियम से x d cos x अपॉन dx प्लस cos x d x अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे तो x माइनस साइन x प्लस इसका करेंगे cos x, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस x साइन x प्लस cos x। डी टू वाई डी एक्स निकालो, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू डी, इसको यूवी के नियम से कीजिए, माइनस बाहर निकाल लो एक्स डी साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स डी एक्स प्लस डी कोज एक्स डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स कोज एक्स, इसका करेंगे तो कोज एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स, एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा और इसका करेंगे तो माइनस
कोज एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्या आ गया माइनस एक्स कोज एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स कोज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, बोलो सर। तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये माइनस का हो रहा है, माइनस के साइन एक्स, जब इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स कोज एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो, एक्स कोज एक्स प्लस ट्वाइस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सी लेता हूं, सी वाई इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स प्लस थ्री कोज एक्स, डी वाई डी एक्स निकालो पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस थ्री डी कोज एक्स अपॉन डी एक्स टू कोज एक्स प्लस, कोज एक्स का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस थ्री साइन एक्स। अब डी टू वाई डी एक्स टू, इसका पुनः अवकलन कीजिएगा, डी कोज एक्स अपॉन डी एक्स माइनस थ्री डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स ट्वाइस साइन एक्स, क्योंकि कोज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कोज एक्स हो जाएगा थ्री कोज एक्स, माइनस को मैं ले लो डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री कोज एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन एक्स प्लस थ्री कोज एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सॉल्यूशन वाई इक्वल टू ए साइन एक्स माइनस बी कोज एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस बी डी कोज एक्स अपॉन डी एक्स, ए कोज एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई पुनः अवकलन करने पर डी एक्स टू इक्वल टू डी ए कोज एक्स डी एक्स प्लस डी बी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस
बी कोज एक्स माइनस ए साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड दो, क्वेश्चन नंबर दो, यदि y इक्वल टू ए साइन एक्स बी कोज एक्स तब सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले सॉल्यूशन y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स। सबसे पहले dy dx निकालो, dy अपॉन dx a d sin x b d cos x। sin x का करेंगे तो a cos x हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस को माइनस, क्योंकि कोज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का बी साइन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसका सेकंड टाइम्स कीजिएगा, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू ए डी cos x dx माइनस b d sin x dx। इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस a sin x माइनस b cos x। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, d टू y dx to equal to minus a sin x plus b cos x, d to y dx to equal to minus, ये किसका मान है, y का मान, d to y dx2 plus y equal to 0। Next question third, question number third, यदि y equal to sec x plus tan x तब सिद्ध कीजिए कि d2y upon dx2 equal to cos x 1 minus sin x का whole square। इसे y के बराबर लीजिए, y सॉल्यूशन y इक्वल टू sec x प्लस tan x dy अपॉन dx, या इसको बदलना चाहो तो बदल के भी कर सकते हो, नहीं बदलना चाहो सीधे करना चाहो तो आप सीधे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको सीधा कर रहा हूं, sec x d sec x dx plus d tan x dx, sec x tan x plus sec square x। इसमें से sec x कॉमन ले लिया, tan x plus sec x, पुनः अवकलन कीजिएगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, d टू y d x टू इक्वल टू sec x d tan x प्लस sec x dx प्लस
डी sec x अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू sec x sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x प्लस sec x tan x, sec x प्लस tan x, इसमें से sec x कॉमन ले लो, d2 y dx to equal to sec square x हो जाएगा, sec x प्लस tan x, इसमें से sec x tan x sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x sec स्क्वायर sec x प्लस tan x sec x, इन दोनों में से भी sec x कॉमन ले लो, ये बच जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दीजिएगा, d2 y अपॉन dx टू इक्वल टू 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। इसका करेंगे 1 अपॉन cos x 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। इसको मिटा देता हूं इतना, वन अपॉन डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू कोज एक्स से ऊपर और कोज एक्स से नीचे, तो ये तो हो जाएगा कोज स्क्वायर एक्स, ये बना वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कोज स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोज एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस साइन एक्स, ये बन जाएगा आपका कोज एक्स वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कोज फोर एक्स, एक बार प्लस और एक बार माइनस, कोज एक्स वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कट गए, कोज एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, हमने यहां पर कोज एक्स से ऊपर और कोज एक्स से नीचे गुना किया था, कोज एक्स से ऊपर वे नीचे गुणा करने पर
एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू ए कोज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तब सिद्ध कीजिए बी टू वाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले सॉल्यूशन y इक्वल टू ए कोज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, डिफरेंशियल with respect to x, dy upon dx equal to a d cos nx upon dx plus b d sin nx अपॉन डी एक्स। इसका करेंगे तो माइनस ए एन साइन एन एक्स, कोस का करेंगे साइन एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स का करेंगे तो एन आ जाएगा, प्लस बी एन कोज एन एक्स। इसमें से एन कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा ए साइन एन एक्स बी कोज एन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगेन डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एन, तो बाहर निकाल लो, डी ए साइन एक्स, सॉरी माइनस ए एन बाहर निकालो, डी साइन एन एक्स प्लस बी एन डी कोज एन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस ए एन स्क्वायर कोज एन एक्स प्लस, यानी कि माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, माइनस कॉमन ले लो, डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर कॉमन लिया, ए कोज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पैरामेट्रिक अवकलन किया होगा, उसी के अनुसार इसका अवकलन कीजिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन x इक्वल टू a कोज q थीटा, dx
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू 3a कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस 3a साइन थीटा कोज स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद y इक्वल टू a साइन q थीटा, dy डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a d साइन q थीटा अपॉन डी थीटा ए थ्री साइन स्क्वायर थीटा, साइन का करेंगे तो कोस थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स, थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, थ्री ए कोज स्क्वायर थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा, थ्री से थ्री गया ए से ए गया तो क्या आ गया माइनस टेन थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी डी वाई dy dx का मान रखो, dy अपॉन dx का मान रखने पर इससे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इन दोनों से dy dx से निकालकर dy dx का मान रखने पर d माइनस टेन थीटा अपॉन dx dx अपॉन d थीटा। मल्टीपल्स डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोज स्क्वायर थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा किसके बराबर है, डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस थ्री ए साइन थीटा कोज स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया माइनस वन अपॉन, माइनस से माइनस कर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस
थ्री ए साइन थीटा कोस फोर थीटा, इसकी वैल्यू रखो वन अपॉन थ्री ए वन साइन फाइव आई फोर कोस फाइव आई फोर। आपको मालूम है कोज और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है, वन अपॉन थ्री वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू का होल फोर, ये ऊपर चला जाएगा रूट टू मल्टीपल्स टू मल्टीपल्स टू अपॉन थ्री ए डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू 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 जा फोर रूट टू अपॉन थ्री ए, यही इसका मान होगा। y इक्वल टू सॉल्यूशन साइन इनवर्स x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx d साइन इनवर्स x अपॉन dx। इसका अवकलन करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर वन अपॉन दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग गुणा कीजिएगा इससे गुणा वन माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। uv के नियम से इसका अवकलन कीजिएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर टू dy अपॉन dx। d2y अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो, वन ट्वाइस वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका करेंगे माइनस टू एक्स। माइनस को प्लस से गुणा करो और माइनस टू को टू से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ दो से भाग देने पर वन माइनस एक्स स्क्वायर
डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होल स्क्वायर है। इक्वल टू जीरो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए या भाग दे लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। जब इसका अवकलन करेंगे यूवी के नियम से, वन माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस डी वाई डी एक्स, फिर डी वाई डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स टू आ जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर गुना में वन माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा। दोनों तरफ दो से भाग देने पर, दो से भाग देंगे तो ये दो कट जाएगा, माइनस का आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई डी एक्स दोनों में इसलिए डी वाई डी एक्स कट जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स बराबर जीरो। एच पी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डी एक्स ट्वाइस साइन इनवर्स x वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने x, दोनों तरफ वर्ग करने पर डी टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रश गुना कीजिए, तिरछे गुना कीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर फोर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यूवी के नियम से करिएगा इसको, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके साथ इक्वल टू फोर डी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के, इसका करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस माइनस के टू एक्स
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस 4, इसके स्थान पर y लिख दो dy अपॉन dx, क्योंकि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू y, dy dx का भाग दे दो 2, जीरो, 2 कॉमन आ रहा है, 2 dy dx कॉमन आ रहा है, 1 माइनस x स्क्वायर d2y अपॉन dx2, ये कट गया, ये माइनस के हो गए, x dy अपॉन dx इक्वल टू 2, 1 माइनस x स्क्वायर d2y dx2 माइनस x dy अपॉन dx माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना था। इसमें ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने योग्य यही चीज है कि जो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फिर इसको यूवी के नियम से करिए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको समझ में नहीं बैठता तो इसको खाली यही लिख देते डी टू वाई अपॉन डी एक्स, जबकि इसको ऐसा लिखा जाएगा जैसे यूवी के नियम से होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये आपकी एंड ऑफ द एक्सरसाइज 7.5। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको बेल आइकॉन कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।